हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम ICSE के 2023 के स्पेसिमेन पेपर है जो क्लास 10 का, उसके सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3, जो पहला 15 मार्क्स का कोडिंग वाला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं प्रोग्राम बनाऊंगा वो मैं आपके साथ साथ बनाऊंगा। ठीक है, आपके सामने स्टार्टिंग से प्रोग्राम बनाऊंगा, लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। और एक और बात, और अगर आपको मेंबर मेथड क्लास इनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है या आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है ना, तो भी मैं हर चीज़ को यहाँ पर समझाने वाला हूँ प्रोग्राम के साथ साथ। ठीक है, तो अगर आपने कुछ नहीं आता इसमें, बस ये पता है कि इस तरीके से क्लास बनती है, नॉर्मल पता है थोड़ा बहुत, तो भी आप सीधा ही क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं हर चीज़ को डिटेल में समझाऊंगा यहाँ पर आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करेंगे ये वाला। ठीक है, ऐसी बारी बारी में हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन लेकर के आ जाऊँगा आपके लिए, उसका सोल्यूशन ब्लू जे में। तो सीधा आते हैं ब्लू जे पे और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिफाइन अ क्लास विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, और क्लास का नाम बता रखा है हमें यहाँ पर एम्प्लॉय। तो पहले तो क्लास बना लेते हैं एम्प्लॉय नाम की, न्यू क्लास एम्प्लॉय रख दिया उसका नेम। अब यहाँ पर एक चीज़ है, देखो नॉर्मली ना जो क्लास का नाम होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें यहाँ पर स्मॉल में दे रखा है, दिख रहा है ना यहाँ पर ई स्मॉल में है, तो इसलिए मैं भी जब नाम रखूँगा तो फिर स्मॉल में रख रहा हूँ, वैसे कैपिटल में होता है। ठीक है, तो ब्लू जे पे आते हैं वापस। ये रहा एम्प्लॉय क्लास, ये मैंने क्रिएट कर दी क्लास। अब इसके अंदर सबसे पहला काम तो हमारे क्या होता है, जो ये लिखा हुआ है पहले से इसको क्लियर करना है। तो कंट्रोल ए दबा के पूरे को सिलेक्ट करो, बैक स्पेस मार के डिलीट करो। क्लास बना दी, नाम क्या था, एम्प्लॉय। ठीक है, ये होगी क्लास। अब उसके बाद मुझे क्या करना है इसमें, अब जो हमें करना है वो क्वेश्चन में जाके पता चलेगा। तो क्वेश्चन में आ गए वापस, यहाँ बोला है मेंबर वेरिएबल बनाना है। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम जो नेम होगा एम्प्लॉय का, एज जिसमें एज आएगी एम्प्लॉय की, और एक बेसिक जो बेसिक सैलरी को स्टोर करेगा। नीचे एक चीज़ बता रखी है यहाँ पर, डिक्लेयर द वेरिएबल यूजिंग अप्रोप्रिएट डेटा टाइप। मतलब जो डेटा टाइप हम लेंगे वो हमने खुद सोच करके लेना है कि भाई जैसे ई नंबर ये है एम्प्लॉय नंबर, इसके लिए क्या डेटा टाइप सही रहेगा, एम्प्लॉय नेम के लिए क्या रहेगा, वो हमें खुद देखना है, इन्होंने नहीं बता रखा। तो अब यहाँ देखो ज़रा, एम्प्लॉय नंबर है जैसे ये, तो एम्प्लॉय नंबर मतलब एम्प्लॉय का नंबर, या जैसे एम्प्लॉय की जो आईडी होती है, जैसे आपका रोल नंबर हो गया, तो उस तरीके का एम्प्लॉय का नंबर है। अब ये कैसा होता है, मतलब अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉय के नंबर की, नंबर है तो कैसा होगा, सारे इसमें न्यूमेरिक होंगे, जो भी नंबर होंगे हर डिजिट न्यूमेरिक डिजिट होगा मतलब उसमें, तो इसके लिए डेटा टाइप है इंट। ठीक है, इंट तो मैंने लिखा इंट। अब देखो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इंट के और भी होते हैं वेरिएशन, जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे हम यहाँ पर देखें अगर इंट की बात करें तो एक तो हो गया बाइट, एक होता है बाइट, एक होता है शॉर्ट, ठीक है, एक होता है इंट और एक होता है लॉन्ग। ये चारों न्यूमेरिक डेटा टाइप को स्टोर करने का, जैसे नंबर को स्टोर करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। नंबर्स को नॉर्मली जब स्टोर करेंगे कैसे, नंबर को इंटीजर वाले, इंटीजर जिनमें मतलब पॉइंट नहीं आता, जिनमें पॉइंट आता है उनको स्टोर करने के लिए दो हैं, फ्लोट और एक और है डबल। ठीक है, तो ये दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, देखो नाम से पता चल रहा है ना, फ्लोट लिखा है मतलब फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल टाइप के, डेसिमल टाइप के नंबर को स्टोर करने के लिए हम इन दो का यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर मेरे को कैसे स्टोर करना है, एम्प्लॉय नंबर जो कैसा होता है इंटीजर, जिसमें पॉइंट नहीं आता ना भाई, कभी तुम्हारे रोल नंबर में पॉइंट आया, किस बच्चे का रोल नंबर 1.3 है, ऐसा तो कभी नहीं देखा हमने, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, इंटीजर जैसा होता है। तो मतलब बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इन चार में से किसी को भी ले सकता हूँ। अब इन चार में से सही कौन सा रहेगा, तो देखो ये जो चारों हैं हर एक की ना अपनी रेंज होती है। ठीक है, जैसे इसकी बाइट की 128 127 तक होती है, मतलब इससे बड़ा नंबर नहीं ले पाएगा ये, 127 या 128 तक होती है। ठीक है ना, ऐसी शॉर्ट की इससे थोड़ी ज़्यादा होती है लेकिन इसकी भी कम होती है। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं लूँ तो इंट और लॉन्ग सही रहेगा इनमें से कोई भी एक, क्यों, इंट में अगर मैं कोई इंटीजर स्टोर करूँ तो लगभग 10 डिजिट तक का मैं इसमें स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉय की बात करें, उसकी आईडी होगी या जो भी होगा उसका नंबर, तो 10 डिजिट तक ही होगा। अब मान लो कंपनी में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय भी हो गए और कुछ ज़्यादा ही हो गए कि 10 डिजिट के बाहर हो सकता है, तो तब हम उसके लिए लॉन्ग ले सकते हैं। तो जो ये एम्प्लॉय नंबर है मैंने यहाँ पर ले लिया लॉन्ग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी बड़ा हो सके हो जाए हमें उससे, ताकि प्रॉब्लम ना आए अपने कोड में, तो मैं इसको लॉन्ग लूँगा। अब देखो एक चीज़ और है, यहाँ पर बोला मेंबर वेरिएबल, ठीक है ना, मेंबर वेरिएबल, तो याद रखना मेंबर वेरिएबल उनको हम बोलते हैं
जो मेंबर के वेरिएबल होते हैं। अब मेंबर यहाँ पर कौन है? मेंबर है यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम मेंबर वेरिएबल को लिखते हैं ना, तो ये सीधा क्लास के अंदर आते हैं। तो क्लास के अंदर सीधा हम मतलब यहीं पर लिखेंगे। तो जैसे मैंने इसके लिए लिखा लॉन्ग एम्प्लॉय नंबर ई नंबर, ठीक है, उन्होंने बोला था ना एम्प्लॉय नंबर को ई नंबर करके वेरिएबल बनाना है। ऐसे ही एम्प्लॉय के नेम के लिए ई नेम। अब नेम बदल, मुझे बताओ ज़रा, जैसे ई नेम मैंने बनाना है वेरिएबल, इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? इसका डेटा टाइप क्या होगा? देखो जो नाम होता है, नाम किस तरीके का होता है, जिसमें अल्फ़ाबेट आते हैं, नाम में अल्फ़ाबेट आते हैं ना, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, जिसमें अल्फ़ाबेट आते हैं, अल्फ़ाबेट का कलेक्शन होता है, जो वो होता है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। तो जब भी हमें मतलब जब भी हमें ऐसा कुछ चीज़ स्टोर करनी है जिसमें अल्फ़ाबेट आ रहे हो, और जैसे एड्रेस हो गया, इस तरीके की चीज़ें, तो हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, नेम अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए उसके लिए डेटा टाइप क्या लूँगा? स्ट्रिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला बोला है तीसरा एज और बेसिक सैलरी के लिए बेसिक। तो एज को मैं अगर स्टोर करूँ तो भैया एज कितनी हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी? 100 साल, 150 साल, इससे ऊपर तो कोई मेरे को तो मुश्किल ही है इसके ऊपर किसी की एज होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए इंट डेटा टाइप ठीक है। मतलब अब देखो कोई यहाँ पर लॉन्ग लेना चाहे तो फ़ायदा नहीं है, मतलब लोगे तो गलत नहीं है, पर जितना अच्छा हो उतना सही लो। तो इंट ठीक है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर इंट लिया, इंट एज, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे की बात करें अगर हम, तो चौथा है हमारे यहाँ पर बेसिक सैलरी। अब सैलरी आ गई यहाँ पर, तो भाई ज़रा सोच के बताना सैलरी के लिए क्या लेना चाहिए मेरे को। देखो अब सैलरी है, तो सैलरी की अगर बात करें हम, तो सैलरी पॉइंट में भी हो सकती है, ठीक है, मतलब हो सकती है, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो भी सकती है ना। तो इसलिए इसके लिए जो डेटा टाइप है भी मैंने बताया था, जब मेरे को डेसिमल वाली चीज़ें स्टोर करनी होती है तो इनके लिए दो होता है डेटा टाइप। यहाँ पर दिख रहे हैं दो, एक तो है ये फ्लोट, ठीक है, FLOAT, और एक होता है डबल, DOUBLE। फ्लोट का साइज़ कम होता है डबल के मुकाबले, तो हम डबल का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। वैसे भी फ्लोट का देखो करने को दोनों कर सकते हैं, लेकिन डबल में एक चीज़ ये फ़ायदा रहता है कि फ्लोट में ना मतलब जावा बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को जब हम पॉइंट वाले देते हैं तो डबल वाली मानता है, तो इसलिए डबल वेरिएबल ये डेटा टाइप लेना ज़्यादा अच्छा है। बेकार में फ्लोट लेंगे तो हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा, तो मतलब डबल ज़्यादा अच्छा है। अगर हमें फ्लोट या डबल में से कोई एक चूज़ करना पड़े तो डबल ले लिया करो, ये कह रहा हूँ मैं, डबल ले लिया मैंने यहाँ पर। डबल क्या थी उसकी? सैलरी, ठीक है ना। सैलरी का वेरिएबल क्या बताया? बेसिक, तो मैंने लिख दिया बेसिक, ये करा बंद। तो ये तो हमारे मेंबर वेरिएबल यहाँ पर आ गए, ठीक है, ये चार मेंबर वेरिएबल आ गए क्लास के अंदर। ये क्लास की बॉडी, इसके अंदर है चार मेंबर वेरिएबल। अब नीचे बढ़ते हैं, देखो नीचे बोला है, ये काम तो हो गया। अब है मेंबर मेथड। तो मेथड मेथड क्या होता है ये याद रखना, जब हम कोई क्लास बनाते हैं ना, तो क्लास में ये इनकैप्सुलेशन चैप्टर में मैंने बता रखा, क्लास में दो चीज़ें होती हैं, क्लास के अंदर मेंबर वेरिएबल, ठीक है, और एक होता है मेंबर मेथड, मेंबर मेथड्स, ये मेंबर मेथड कह लो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं मेंबर मेथड, वेरिएबल भी ज़्यादा हो सकते हैं। और हमें यहाँ दिख भी रहा है हमारे क्वेश्चन में, चार मेंबर वेरिएबल हैं और तीन मेंबर मेथड हैं, एक वर्ड एक्सेप्ट, एक वर्ड कैलकुलेट और एक वर्ड प्रिंट, ठीक है। लेकिन जब इन मेंबर मेथड का जैसे मेरे को प्रोग्राम में बनाना है तो क्या करते हैं, याद रखना अभी मैंने बताया क्लास के अंदर ये दो चीज़ें होती हैं, तो जो भी मेंबर मेथड आएगा ना ये क्लास की बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है। मेंबर वेरिएबल चारों क्लास की बॉडी है ना, ये स्टार्ट हुई या बंद हुई इसके अंदर आए, तो मेंबर मेथड को भी इसके अंदर ही बनाना। कई बच्चे गलती करते हैं क्लास के बाहर बना देते हैं, तो वो मत करना, मार्क्स कट जाएंगे वहाँ पर। क्योंकि तो जावा हमें पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इनकैप्सुलेशन मतलब जावा में खासियत ही यही है कि भाई हम हर चीज़ क्लास के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना। तो अगर तुमने क्लास के बाहर बना दिया तो वैसे भी गलत हो गया वो, और फिर वैसे भी गलत हो गया, तो इसलिए वो मत करना। तो देखो अब जब मैं बनाऊंगा मेंबर मेथड को, याद रखना क्लास के अंदर आते हैं, तो वॉइड एक्सेप्ट लिखा मैंने पहला। अब देखो यहाँ पर कोई चीज़ें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, वो मैं अभी तुम्हें समझा देता हूँ। जो मेंबर मेथड की अगर हम बात करें, चलो तो पहले यहाँ पर देख लो, तो जैसे यहाँ पर देखो मेंबर मेथड इसका नाम ये क्या लिखा है, वॉइड एक्सेप्ट। अभी देखो बताता हूँ है क्या वॉइड एक्सेप्ट, क्या चीज़ है, पहले लिख लेता हूँ वॉइड ACCEPT, ये हो गया, और ऐसा है कुछ, और ये मैंने बनाया। अभी ये कुछ नहीं है, ये एक मेंबर मेथड है, इसकी बॉडी के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है ना। अब ज़रा समझते हैं इसको कि ये है क्या, तो देखो ज़रा अभी यहाँ पर,
बड़े ध्यान से देखना, जो तुम्हारे चैप्टर है ना यूज़र डिफाइंड मेथड, तो जो उसमें अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो वो बाद में ही समझा रहा हूँ तुम्हें क्वेश्चन करते करते, तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी समझ लेंगे साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे, तो हर चीज़ को यहाँ समझाऊंगा ठीक है। तो देखो ये जो है लिखा हुआ वॉइड, फिर आगे लिखा है एक्सेप्ट, ठीक है जी। अब एक चीज़ याद रखना, जो ये एक्सेप्ट लिखा हुआ है ना, ये तो है तुम्हारा जो फंक्शन है उसका नाम, ठीक है, या मेंबर मेथड का नेम कह लो, तो ये तो है नेम, ठीक है। नेम से पहले जो ये चीज़ है वॉइड, इसको हम बोलते हैं रिटर्न टाइप, भाई मतलब कैसी वैल्यू वो देगा, रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप क्या क्या हो सकते हैं भाई, रिटर्न टाइप बहुत कुछ हो सकते हैं। मैं रिटर्न टाइप की बात करूँ ना, रिटर्न टाइप, ठीक है, रिटर्न टाइप का मतलब होता है कि तुम्हारा जो है मेंबर मेथड है ये कैसी वैल्यू देगा। तो भाई अभी क्या लिखा है वॉइड, वॉइड का मतलब होता है ये कुछ नहीं देगा, ठीक है। वॉइड का मतलब होता है कि जब हम कुछ नहीं रिटर्न करवाना चाहते हैं ना अपने मेंबर मेथड से, तो हम तब वॉइड का यूज़ करते हैं। तो वॉइड नॉर्मली हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ इनपुट में लेनी हो, ठीक है। तो जब इनपुट में लेते हैं तो कुछ वापस थोड़ी दे रहे होते हैं, तो तब हम मेंबर मेथड, जैसे यहाँ पर जो मेंबर मेथड है हमारा वॉइड एक्सेप्ट नाम का, ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, इनपुट लेने के लिए बना रखा है। तो इसलिए हमने यहाँ इसका रिटर्न टाइप वॉइड दिया, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ वापस नहीं लौटा रहे, आ रही बात समझ में। ऐसे ही जब हम कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो तब भी हम उसका रिटर्न टाइप नॉर्मली, वो अभी यहाँ पर क्वेश्चन में भी वही है, तुम्हें मेंबर मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड दिख जाएगा, क्योंकि हम तब प्रिंट करा रहे होते हैं, वैल्यू को स्क्रीन में छाप रहे होते हैं, तो भाई कुछ वापस तो लौटा नहीं देना। लेकिन जब हमें चाहिए होता है कि भाई हमारा जो फंक्शन है ये कुछ काम करके वैल्यू वापस लौटाए, ठीक है, तो तब हम इंट का या मतलब कोई भी रिटर्न टाइप का यूज़ करते हैं। अब इंट का तब करेंगे यूज़ जब हमें चाहिए होता है कि इंटीजर वैल्यू दे लौटा करके, ठीक है। फ्लोट का तब करेंगे जब चाहिए कि भाई फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू दे, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू दे, या डबल का कर लेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा है कि रिटर्न टाइप जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। इंटीजर के टाइम पे इंट, जब इंटीजर वैल्यू दे रहा होगा फंक्शन, जब कैसे देगा वो देखेंगे आगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं दे रहा है तो हमने वॉइड का यूज़ किया है, तो ऐसे में मतलब ये कुछ वापस लौटा के नहीं देगा, अरे बात समझ में। तो इतना हमें समझ में आया कि जो हमारा फंक्शन है कुछ देगा नहीं, तो करेगा क्या ये करेगा, ये क्या करेगा, एक्सेप्ट द डिटेल्स यूजिंग स्कैनर क्लास, ये डिटेल लेगा स्कैनर क्लास की मदद से। डिटेल किसकी, ये जो ऊपर चार वेरिएबल बना रखे ना, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एज और बेसिक, तो इन चार की डिटेल, या ऐसा कह सकते हैं इन चार की वैल्यू इनपुट में हम इस मेथड के अंदर लेंगे। चलो बहुत बढ़िया, लेकिन एक बात याद रखना, जो ये हमारे ये हैं मेंबर मेथड ना, इसमें एक और चीज़ हो सकती है, जैसे यहाँ पर लिखा है वॉइड एक्सेप्ट, ऐसा लिखा है ना वॉइड एक्सेप्ट, एक बात याद रखना हमेशा, वेरिएबल का नाम है जैसे ये मतलब मेंबर मेथड के नाम से पहले आता है रिटर्न टाइप, ठीक है। और कभी कभी तुम्हें इससे पहले ये भी दिख जाएगा, जैसे पब्लिक, ऐसा लिखा पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट, तो भैया ये जो लिखा है ना मैंने, ये पब्लिक, ये होते हैं हमारे एस एस स्पेसिफायर, ठीक है। ये इनकैप्सुलेशन चैप्टर में आप पढ़ोगे, अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। ये तीन तरीके के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, और एक होता है डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट में हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब कुछ नहीं लिखा गया है तो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट वाला काम करता है, आ रही बात समझ में। अब याद रखना मेंबर मेथड में ये कंपलसरी लिखना नहीं होता, भाई लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना लिखो तो तुम्हारी मर्जी, तो इसको ना लिखो काम चलेगा, और दिख भी रहा है क्वेश्चन में बिना उसके दिया है, और अगर लिखा हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हरी बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। लेकिन रिटर्न टाइप होना ज़रूरी होता है, और फंक्शन का नाम या मेंबर मेथड का नाम होना ज़रूरी है, चाहिए। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मेंबर मेथड कुछ ना लौटाए, फिर तुम्हें रिटर्न टाइप की जगह वॉइड लिखना पड़ेगा, हरी बात समझ में, ठीक है। और इनका जो लिखने का तरीका है कि भाई पहले नेम आएगा, उससे पीछे आएगा रिटर्न टाइप, और उससे पीछे आएगा एस एस स्पेसिफायर, तो इनका ऑर्डर यही रहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वॉइड को पहले लिख दिया, पब्लिक को बाद में, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ तक क्लियर है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे अभी और भी करेंगे हम, तुम्हें वहाँ और भी कुछ चीज़ें आएंगी ना, अगर एक्स्ट्रा मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम घबराओ मत, ठीक है। अभी मैं फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें ज़रूरत पड़ रही है, मैं वही समझा रहा हूँ। तो वर्ड एक्सेप्ट तो यहाँ बोला है, हमें क्या लेना है, एक्सेप्ट द डिटेल्स यूजिंग स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास से डिटेल इनपुट में लो स्कैनर क्लास की मदद से। तो याद रखना भाई, स्कैनर क्लास ना जावा के किसी दूसरे पैकेज में होती है, तो जावा का लैंग पैकेज होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है, उसे तो करने की ज़रूरत पड़ती नहीं, एक यूटिल पैकेज है, ठीक है। तो यूटिल मतलब यूटिलिटी, उसका मतलब है, तो यूटिल नाम का जो पैकेज है उसमें होती है स्कैनर क्लास। तो जब हमें उस पैकेज की क्लास का यूज़ करना है तो हमें उस पैकेज को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए लिखते हैं इम्पोर्ट जावा
यूटिल डॉट स्कैनर ये लिखा है। देखो एक तरीका ये है, एक तरीका ये होता है जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स लगा दो यहाँ पर, ये लगा दिया ठीक है। तो दोनों तरीके सेम सही हैं। एस्ट्रिक्स में ये होता है कि सारी क्लास को इम्पोर्ट कर देगा, और यूटिल डॉट स्कैनर लिखा है तो उसमें ये होता है कि सिर्फ स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट करेगा। तो दोनों ठीक है। अब हमें स्कैनर की ज़रूरत पड़नी तो मैं सिर्फ स्कैनर को कर रहा हूँ इम्पोर्ट, आप चाहो तो एस्ट्रिक्स लगा देना उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी ठीक है ठीक है। तो अगर आप ऐसा करो तो भी ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ वर्ड एक्सेप्ट, अब देखो मेरे को एक्सेप्ट करना है क्या, इनपुट लेना है ना। तो इनपुट लेने के लिए हमें पता है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ होना चाहिए। तो कैसे बनाते हैं, पहले क्लास का नाम लिखो। तो अगर मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो स्कैनर क्लास का नाम लिखूंगा, तो लिख दिया स्कैनर, फिर ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख लो, नॉर्मली एस सी रख देते हैं। तो स्कैनर एस सी इक्वल टू, फिर उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, न्यू, फिर क्लास का नाम स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन लिखते हैं ठीक है। ये तो सिंटैक्स ऐसी है इस तरीके से, तो ये तो आप याद कर लेना। जब इनपुट लेना पड़ेगा स्कैनर से तो पहले आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इनपुट लेना है, किसकी चीज़ का इनपुट लेना था मुझे, देखो भाई यहाँ पर एक्सेप्ट द डिटेल्स यूजिंग स्कैनर क्लास, और क्या क्या थी डिटेल, ई नंबर, ई नेम, एज, बेसिक, ये चार चीज़ें हैं जो इनपुट में लेनी है। अब देखो एक चीज़ तो ये है कि जो हमारा यूज़र होता है ना बेचारा, वो बहुत सीधा साधा आदमी होता है ठीक है ना, उसको पता नहीं होता उसे इनपुट क्या देना है। तो हमें पहले उसे बताना पड़ता है कि भाई इनपुट में ये चीज़ देनी है तूने, तो इसलिए एक लाइन लिख देंगे हम सिस्टम, जो भी इनपुट में लेंगे पहले यूज़र को प्रॉम्प्ट करके बता देंगे कि भाई तुम्हें ये इनपुट में देना है ठीक है, तब वो इनपुट में देगा ठीक है ना। तो पहले मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अब क्या यूज़र ने इनपुट में देना है, यूज़र ने इनपुट में देना है क्या, सबसे पहले ई नंबर, एम्प्लॉय का नंबर है ना, ये रहा पहला एम्प्लॉय का नंबर इनपुट में देगा, फिर एम्प्लॉय का नेम देगा, फिर एज देगा, फिर बेसिक सैलरी। तो लिख देते हैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या चीज़ प्रिंट एलन, अरे ये नहीं वो तो लिख दिया है, हाँ एंटर एम्प्लॉय, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंटर एम्प्लॉय नंबर ठीक है। अब इसके बाद जब ये लाइन स्क्रीन में लिखी आएगी ठीक है ना, पहले तो ये लाइन लिखी आ जाएगी एंटर एम्प्लॉय नंबर, तो उसके बाद एम्प्लॉय नंबर यूज़र इनपुट में देगा, तो हमें क्या करना है, इनपुट जो वो देगा वो लेना है। तो इनपुट लेने के लिए देखो किस तरीके से लेते हैं इनपुट, पहले वो देख लो, लेना किस में, ई एन ओ एम्प्लॉय नंबर में, तो वेरिएबल का नाम लिखा मैंने यहाँ पर जिसमें लेना है, ई एन ओ इक्वल टू यूज़र से इनपुट में लेना है, तो यूज़र से लेंगे, लेकिन भैया ये स्कैनर का जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसकी मदद से लेंगे। तो कैसे मदद से लेते हैं, तो पहले स्कैनर के ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं एस सी डॉट ठीक है। तो ई नंबर इक्वल टू एस सी डॉट, अभी जो ई नंबर है ना ये किस तरीके का है, ये लॉन्ग टाइप का है, मतलब इसका डेटा टाइप क्या है, लॉन्ग है ना, तो एस सी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग लिखते हैं, ये एक मेथड है जो लॉन्ग टाइप की वैल्यू को इनपुट में देने में मदद करता है। देखो अब यहाँ पर लॉन्ग की जगह अगर इंट हो जाता है ना, गलती से इंट हो गया होता तो यहाँ पर फिर हम लिखते हैं इंट, गलती से क्या मतलब, अगर यहाँ इंट होता तो हम फिर यहाँ इंट लिखते हैं, मतलब इंटीजर वैल्यू है तो अगर उसका इनपुट में लेना तो इंट लिखोगे। ऐसे डबल के लिए जब अगर लिखते तो यहाँ पर नेक्स्ट डबल होता, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी ये क्या है, अभी ये हमारा ये नहीं, ये वाला क्या है, लॉन्ग था ना ये, तो अगर ये लॉन्ग था इसलिए यहाँ पर इसको इनपुट में लेने के लिए भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, लॉन्ग ठीक है। आ रही ना बात समझ में, और वैसे मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है, छोटी सी वीडियो है, और मैंने उसमें पूरा डिटेल में समझा रखा कि भाई किसके लिए कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, तो वो उस वीडियो को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, मतलब प्रोग्रामिंग करने के लिए सेक्शन बी के लिए कम से कम उसको देख लोगे तो स्कैनर अच्छे से समझ में आ जाएगी और क्लास के बारे में भी अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। और छोटी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, मतलब इतना कॉन्सेप्ट मैंने उसमें बता रखे उसके मुकाबले बहुत छोटी वीडियो है, मैं आई बटन पर लगा दूंगा देख लेना ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर वेरिएबल था, उसमें जो भी इनपुट देगा यूज़र वो इसमें घुस जाएगा, ई एन ओ में चले जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉय का नाम इनपुट में लेना है ठीक है ना, तो एम्प्लॉय का नाम इनपुट में लेने के लिए वेरिएबल का नाम क्या है, ई नेम, तो भाई पहले एक लाइन फिर से लिखूंगा मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर एम्प्लॉय नेम ठीक है।
इसके बाद यूज़र क्या करेगा, उसका नाम देगा इनपुट में। तो वेरिएबल क्या है जिसमें स्टोर करना है, ई नेम है वेरिएबल का नाम इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। अब देखो स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए नेक्स्ट लाइन है मेथड, ठीक है, नेक्स्ट लाइन भी होता है एक नेक्स्ट मेथड भी होता है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन का यूज़ कर रहे हैं। देखो दो मेथड होते हैं, बता देता हूँ अभी यहाँ पर ध्यान से समझ लो। जब स्ट्रिंग इनपुट में लेते हैं ना तो दो मेथड होते हैं हमारे पास, एक तो होता है नेक्स्ट और एक होता है नेक्स्ट लाइन मेथड, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है भाई, नेक्स्ट मेथड जो है ये वाला, इसमें ये होता है कि जैसे मैंने किसी का नाम इनपुट में दिया, मैंने दिया अमन, फिर मैंने मार रखा स्पेस और फिर मैंने लिखा सिंह, ठीक है, मैंने ये दिया। तो नेक्स्ट क्या करता है, जैसे इसे स्पेस मिल गया ना तो उसके आगे की वैल्यू लेता ही नहीं है। तो मैंने अगर किसी का नाम दिया अमन सिंह तो ये सीधा अमन लेगा, मतलब इस सिंह को ये छोड़ देगा, लेकिन नेक्स्ट लाइन क्या करता है, पूरा लेता है सेंटेंस। तो अमन स्पेस करके अगर मैंने सिंह लिखा तो अमन सिंह पूरा इनपुट में लेगा। तो ये है, तो जब हमें सिंगल वर्ड इनपुट में लेना होता है तब नेक्स्ट का यूज़ करते हैं, जब दोनों लेने हो मतलब पूरा लेना होता है सेंटेंस, चाहे उसमें दो वर्ड हो, दस वर्ड हो, कितने भी हो, तो हम नेक्स्ट लाइन का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन मैंने लिख दिया है, मान लो क्या पता यूज़र का मतलब जो यूज़र का नेम है, एम्प्लॉय का नाम है, उसमें उसका नेम भी होगा सरनेम भी होगा ना, तो नेक्स्ट लाइन ज़्यादा बेटर है। और वैसे नेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, पर नेक्स्ट लाइन ज़्यादा यहाँ पर सूटेबल है। तो चलो नेक्स्ट लाइन हो गया। अब उसके बाद क्या करें, क्या करें क्या, अब एम्प्लॉय की एज भी तो लेंगे, एज नाम के वेरिएबल में डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या एंटर एज। अब जो एज है ये कौन से वेरिएबल में स्टोर करनी है हमने, एज नाम क्या है, तो लिखा एज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, आगे क्या लिखूँ, एज किस टाइप का वेरिएबल है, इंट ना, तो इसलिए नेक्स्ट इंट लिखूँगा, ठीक है, नेक्स्ट के आगे आएगा इंट, इंटीजर टाइप की वैल्यू को इनपुट में लेने के लिए नेक्स्ट इंट लिखते हैं और ये हो गया। ठीक, समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, कोई डाउट रह भी जाएगा ना तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना भाई, ठीक है। अब बेसिक सैलरी की बात करें तो देखो बेसिक सैलरी लेने से पहले यूज़र को बोलना पड़ेगा कि भाई एंटर करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर बेसिक सैलरी मैंने लिखा, तो ये लाइन लिखी आएगी, उसके बाद एंटर देगा मतलब यूज़र वैल्यू देगा बेसिक सैलरी की, तो वो बेसिक नाम के वेरिएबल में डालेंगे और कैसे लेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट, आगे क्या लिखूँ, नेक्स्ट इंट लॉन्ग क्या लिखूँ, देखो भाई बेसिक है ना, तो बेसिक का यहाँ देखो डेटा टाइप क्या है, डबल है, तो नेक्स्ट क्या आएगा उसके बाद, डबल, ठीक है, आ रहा ना समझ में भाई, डेटा टाइप जब डबल है तो नेक्स्ट डबल, इंट होता तो नेक्स्ट इंट लिखते हैं, तो जो है डेटा टाइप वही आ जाता है नेक्स्ट के आगे, ठीक है, तो नेक्स्ट डबल हो गया। अब और याद रखना डबल का डी कैपिटल या इंट का आई कैपिटल था। तो ये जो काम था हमारे इस मेंबर मेथड का वो हो गया, इनपुट में लेना था ले लिया, इनपुट में सारा काम हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ना एक, यहाँ पर एक छोटी सी छोटी मिस्टेक तो नहीं है, छोटा सा मतलब एक ऐसा कह सकते हैं कि एक कमी है यहाँ पर, अब वो जब हम कोड रन करेंगे तब पता चलेगी, ठीक है, तो मिस्टेक नहीं है वो, मतलब एक स्कैनर क्लास का ही ड्रॉबैक है वो, तो वो पता चलेगा तो मैं तब समझाऊंगा आपको, ठीक है। अभी तो चलो जो बोल रखा है उसको बनाते हैं, समझते हैं कि कैसा काम हो रहा है। तो आते हैं यहाँ पर, अगला मेथड है void calculate, तो वो लिख लेता हूँ जरा, void calculate करेगा क्या, calculate करेगा net salary, चलो ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पर, लिख दिया मैंने void calculate, देखो अभी भी मैं ये उस क्लास के अंदर ही बना रहा हूँ, ठीक है ना, क्लास का ये है ना ख़त्म हो रही है यहाँ पर, तो उसके अंदर ही चल रहे हैं हमारे ये क्या बोलते हैं मेंबर मेथड, ये वाले की बॉडी यहाँ से यहाँ ख़त्म हो गई, फिर अगला वाला शुरू हो गया बॉडी कैलकुलेट, उसकी बॉडी यहाँ से यहाँ ख़त्म है, ठीक है। तो चलो इसके अंदर क्या करना है, कैलकुलेट द नेट सैलरी, नेट है बेसिक प्लस एच आर ए प्लस डी ए माइनस पी एफ, तो जो नेट सैलरी निकालनी है उसके लिए क्या करना है, बेसिक में एच आर ए जोड़ना है, डी ए भी जोड़ना है और पी एफ को माइनस करना है, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो तब जब पता होगा निकालेंगे कैसे, तो नीचे बता रखा कि एच आर ए को इस तरीके से निकालना है, डी ए को ऐसे निकालना है और पी एफ को ऐसे निकालना है। तो पहले इन तीनों को निकाल लेते हैं, एच आर ए डी ए पी एफ, तीनों को निकालने के लिए पहले तीन वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, एच आर ए डी ए और पी एफ करके, है ना। तो वेरिएबल बना तो लुए हैं लेकिन यार डेटा टाइप क्या होगा उसका, देखो यहाँ पर यहाँ बोला 18.5%, तो यार अगर 18.5% करेंगे किसी भी चीज़ का, या मान लो किसी का अगर ऐसे हम कैलकुलेशन करते भी हैं
तो बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं ना पॉइंट में आने के। और फिर यहाँ तो हमें खुद दिख रहा है कि ये पहली पॉइंट में दे रखा है 18.5%, तो मतलब जो मेरी HR आएगी वो पॉइंट में आ सकती हैं। तो इसलिए हम जो डेटा टाइप लेंगे वो क्या लेंगे, डबल, ठीक है, डबल HRA PF और DA था मेरे ख्याल से, DA था, HRA PF और DA, ठीक है। तो ये तो हो गया, अब देखो निकालेंगे कैसे। यहाँ बोला है 18.5% ऑफ बेसिक, HRA क्या है, 18.5% ऑफ बेसिक। तो अगर मैं इसका 18.5% करूँ, देखो ज़रा, HRA बोला था, HRA बोला है 18.5% ऑफ बेसिक, है ना। तो अगर इसे नॉर्मल, अगर जैसे मैथ्स है, मान लो मैं मैथ्स में सॉल्व कर रहा था, क्या करता मैं 18.5% का क्या हो जाता, अपॉन 100 ऑफ बेसिक, मतलब इनटू बेसिक, ऐसा हो जाता ना, समझ में आ रहा ना। HRA निकालता तो ऐसा हो जाता है, HRA इक्वल टू 5/100 इनटू बेसिक। तो यही मेरे को बस यहाँ कोड में करना है, तो कैसे करूँगा, देखो मैंने लिखा यहाँ पर HRA के लिए, HRA इक्वल टू 18.5, देखो 18.5, फिर क्या कर रहे थे हम, डिवाइड कर रहे थे 100 से, ठीक है ना, 100 से डिवाइड कर रहे थे इसको ये। तो यार 100 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ देखो, जब यहाँ पर करते हैं ना डिवाइड, कहाँ गया कोड हमारा जरा, तो डिवाइड करने के लिए होता है ये फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, 100। अब ये एक ब्रैकेट में था तो यहाँ भी एक ब्रैकेट में रख देता हूँ, फिर इनटू बेसिक था ना, इनटू बेसिक, तो इनटू के लिए ये होता है इनटू बेसिक, ठीक है। 18.5% इनटू बेसिक जो ये है यहाँ पर लिखा हुआ, वो इसके इक्विवेलेंट है मैथ्स में, अगर हम करते हैं इस तरीके से करते हैं ऐसे, ठीक है, 18.5/100 इनटू बेसिक। अब अगले पे आ जाते हैं, DA का है 17.45% ऑफ बेसिक, तो ये भी ऐसे होगा, है ना, DA हो गया 17.45%, तो मतलब डिवाइडेड बाय 100 इनटू बेसिक। बेसिक कितना है, बेसिक किस में, बेसिक बेसिक नाम के वेरिएबल में है, इसमें है ना बेसिक, देखो बेसिक नाम का वेरिएबल बनाया था यहाँ, तो उसमें आ जाएगी बेसिक सैलरी, तो इसलिए यहाँ बेसिक लिख रहे हैं। अब जो भी यूज़र ने इनपुट में दी होगी बेसिक सैलरी, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो हमें उसकी फिक्र करनी नहीं है। तो HRA DA हो गया, PF का क्या करना है, PF इक्वल टू कितना परसेंट था उसका, 8.10% ऑफ बेसिक, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 8.10% ऑफ बेसिक, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आया ना यहाँ तक, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा कॉम्प्लिकेटेड, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक तो HRA में जब ये सॉल्व होगा तो ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी 18.5% ऑफ बेसिक करके, HRA में आ जाएगी, DA में DA की जो भी वैल्यू होगी सॉल्व हो करके आ जाएगी, PF में उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद एक और चीज़ बोली है, इफ़ द एज ऑफ एम्प्लॉय इज़ अबव 50, ये लाइन लिखी हुई है, इफ़ द एज ऑफ एम्प्लॉय इज़ अबव 50, ही शी इज़ एलिजिबल, या कह लो ही शी गेट्स एन एडिशनल अलाउंस ऑफ 5,000, भाई अगर 50 से ऊपर की हो गई तो 5,000 रुपये और मिलेंगे, चलो बहुत बढ़िया है। लेकिन पहले जो ये बेसिक HRA DA PF निकाल के बैठे हैं, पहले उससे नेट तो कैलकुलेट कर लें, नेट मतलब जो टोटल सैलरी होगी, फिर उसमें तब देखेंगे कि भैया जो यूज़र है उसकी क्या एज 50 से ऊपर है, अगर 50 से ऊपर होगी तो उसमें 5,000 रुपये और जोड़ देंगे, नहीं होगी तो फिर रहने देंगे। आ रहा ना समझ में, देखो नेट सैलरी क्या है, बेसिक प्लस HRA प्लस DA माइनस PF, तो नेट सैलरी जो है हमारी वो है बेसिक प्लस HRA प्लस BF माइनस PF। तो मैं ये कह रहा हूँ बेसिक तो हमें यूज़र ने इनपुट में दे दी तो वो तो आ जाएगी, HRA अभी निकाल लिया कोड में, DF भी निकाल लिया, PF भी निकाल लिया, तो बेसिक HRA DF जोड़ लेते हैं, PF माइनस करके नेट में डाल देंगे, तो जो नेट सैलरी है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। नेट जो भी आई, मान लो किसी का बेसिक है 10,000, HRA 2,000 है, DF 2,000 है और PF भी 2,000 है, तो ये हो जाएगी नेट सैलरी, नेट वाली क्या हो जाएगी, 10,000 है मान लो, ये 2,000 है, तो 2,000 वो भी 2,000 है, और मान लेते हैं वो भी 2,000 है, तो उसकी जो सैलरी बनी वो कितनी बनी, ये तो कट गया भाई, ये होगी 12,000, ठीक है। तो 12,000 इसकी सैलरी बन गई, जो भी यूज़र था हमारा, एम्प्लॉय था जो भी, उसकी 12,000 सैलरी बन गई नेट सैलरी,
अब हम चेक करेंगे कि क्या उसकी एज 50 से बड़ी है। अगर 50 से बड़ी होगी तो इस 12,000 में क्या करेंगे, 5,000 भी जोड़ देंगे। 50 से छोटी होगी तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना है, नेट जो हमारी सैलरी होगी वो स्टोर करनी है ना, तो उसके लिए वेरिएबल बनाना पड़ेगा एक, है ना। नभी नेट नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना एक, तभी तो उसमें नेट जो वैल्यू होगी वो स्टोर करेंगे, जो नेट सैलरी होगी। तो मैंने वेरिएबल मान लो ही बना दिया, डबल नेट। कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। ऊपर तीन वेरिएबल जो बना रखे हैं यहाँ पर, तो नेट भी तो बना सकते हैं वेरिएबल, बिल्कुल ठीक है, बना दिया। लेकिन याद रखना, अभी जो हमने यहाँ नेट वेरिएबल बनाया ना, ये आगे हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो वो मैं आगे ही बताऊंगा वो प्रॉब्लम क्या होगी और कैसे उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो चलो फिलहाल बना दिया, देखो मैंने कंपाइल भी कर दिया, कोई एरर नहीं आया। अब क्या करना था, नेट जो सैलरी थी वो निकालनी थी। तो वो क्या था, बेसिक प्लस HRA प्लस DF माइनस PF, ये था ना। देखो भाई फॉर्मूला, बेसिक प्लस HRA प्लस DA माइनस PF प्लस DA माइनस PF, ठीक है। तो ये हो गया, देखो कंपाइल करके कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उसके बाद नेट सैलरी निकाल ली। अब उसके बाद क्या करना है, हमने एक और चीज़ बोली है, इफ़ द एज ऑफ एम्प्लॉय इज़ अबव 50 ही शी गेट्स एन एडिशनल अलाउंस ऑफ ₹5,000। अगर उसकी एज 50 से बड़ी है तो वही चेक करेंगे कि इफ़ एज एज ग्रेटर देन 50, ठीक है। ये ग्रेटर देन का सिंबल है कि अगर एज ग्रेटर देन 50 है तो क्या करना है मुझे, तो मुझे जो नेट सैलरी है उसमें, अभी मैंने बताया था यहाँ पर नेट सैलरी में क्या करना था, मैंने यहाँ पर 5,000 और जोड़े अगर 50 साल से बड़ा है एम्प्लॉय, तो यहाँ पर नेट में 50 और जोड़ूंगा, मतलब 5,000 और जोड़ूंगा। तो लिखूंगा मैं नेट इक्वल टू नेट प्लस 5,000। देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ नेट में फॉर एग्जांपल मान लो जैसे आ रखे थे ₹20,000, ठीक है ना। यहाँ पर नेट में आ रखे थे ₹20,000 जब हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी, ये वाली लाइन पे, यहाँ पर इस वाले लाइन पे नेट पे आ गए थे ₹20,000। अब नीचे आते हैं, जो हमारा एम्प्लॉय था वो थोड़ा बुज़ुर्ग आदमी था, तो उसकी जो एज थी वो 52 थी, ठीक है। तो एज आई थी उसकी 52, तो क्या ये 52 50 से बड़ा होता है। तो जब यहाँ पर आया तो चेक हुआ कि क्या 52 50 से बड़ा होता है, ट्रू है ना, होता है। तो होगा क्या, नेट में 5,000 जुड़ जाएगा। देखो अभी नेट नाम का वेरिएबल जो बना होगा मेमोरी में, उसमें कितनी वैल्यू होगी, अभी उसमें 20,000 होगी। अब यहाँ पर जब हम आए तो होगा क्या, यह नेट की वैल्यू कितनी है, 20,000, उसमें कितना जुड़ेगा, उसमें 5,000 और जुड़ी है, ठीक है। तो और यहाँ पर पहले से देखो नेट में पहले से वैल्यू कितनी है, 20,000 ना, तो यहाँ भी कितनी है, 20,000, पुरानी वाली आएगी ना यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ भी आई 20,000। अब जो देखो नई वैल्यू यहाँ क्या बनेगी, 20,000 में 5,000 जोड़ लो, कितना हुआ, 25,000। तो ये 25,000 पुरानी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, तो जो पुरानी वैल्यू यहाँ रखी हुई है ना मेमोरी में, ये चेंज होकर 25,000 हो जाएगी। सारी बात समझ में, ऐसा होता है। लेकिन अगर मान लो ये अभी 52 का लिखा है मैंने, अगर ये 52 का नहीं हुआ, मान लो 48 का हुआ, ठीक है ना, 48 का हुआ, अगर आपका जो ये यूज़र है एम्प्लॉय है, तो अगर एज है 48, तो यहाँ क्या हुआ कि क्या 48 48 ग्रेटर देन 50 है क्या, नहीं है। तो ये अंदर की बॉडी चलेगी नहीं, ये वाली बॉडी नहीं चलेगी, ये अंदर का जो पोर्शन है ये नहीं चला। तो नेट में अगर 20,000 है तो 20,000 ही रहेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा। तो इस तरीके से हमारा काम कर रहा है ये कंडीशन, ठीक है। अब इसको देखो, कई लोग जैसे मैंने लिखा है नेट इक्वल टू नेट प्लस 5,000 ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, नेट इक्वल टू और यहाँ पर प्लस 5,000। इसका मतलब यही होता है, नेट इक्वल टू नेट प्लस 5,000, ठीक है। तो नेट इक्वल टू नेट प्लस 5,000 लिखो या नेट प्लस इक्वल टू 5,000 लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो तुम्हें ऐसा भी लिखने को मिल सकता है और ऐसे भी तुम लिख सकते हो, मैंने ये इसलिए ऐसे लिखा ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या था, उसके बाद बोला है वॉइड प्रिंट करके एक और मेथड बनाना है, जो इस तरीके से प्रिंट करेगा डिटेल्स को, पहले एम्प्लॉय नंबर, फिर नेम, एज, बेसिक, नेट। चलो ठीक है, पहले मेथड बना लेते हैं वॉइड प्रिंट करके। तो उसकी बॉडी यहाँ से ओपन हुई, यहाँ ख़त्म हुई, मैं यहाँ मतलब ये थोड़ा नीचे और यहाँ तक,
इसके बाद इसके नीचे बनाएंगे void प्रिंट करके एक मेथड, ये बना दिया। अब क्या करना है इस मेथड में, अब करना कुछ नहीं है इस मेथड में, जो हमें क्वेश्चन में बोला है वो देखना है पहले, पहले उसको समझते हैं फिर देखते हैं क्या है। यहाँ बोला है प्रिंट द डिटेल्स एज पर द फॉलोइंग फॉर्मेट, इस तरीके से डिटेल को प्रिंट कर दो जो यूज़र ने दी, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एज, बेसिक नेट। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे ये लिखा हुआ है एम्प्लॉय नंबर, नेम, एज, बेसिक नेट। चलो मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ, जैसे ये है ना, एम्प्लॉय नंबर है जैसे पहले, तो देखो अगर यहाँ पर जैसे ये है एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, तो तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी एम्प्लॉय नंबर लिखा, उसके बाद तुम्हें काफ़ी गैप दिख रहा है बीच में, दिख रहा है ना, उसके बाद एम्प्लॉय नेम आया, फिर उसके बाद काफ़ी गैप है यहाँ पर, फिर एज आया, फिर गैप है, फिर बेसिक आया, फिर ये गैप है। ये नॉर्मल गैप नहीं है, जैसे यहाँ पर नॉर्मल गैप ये एक स्पेस का होता है, ये स्पेस का गैप नहीं है, ये जो गैप है, ये जो गैप है ना, इतना बड़ा गैप, जब ये तुमने देखा कीबोर्ड में टैब बटन होता है, जब हम टैब मारते हैं तो ये लगभग 4 स्पेस के बराबर स्पेस एक बार में दे देता है, तो ये वही है। मतलब मैंने जैसे ई एन ओ लिखा या प्रिंट करवाया, उसके बाद एक टैब स्पेस मारना है, तो जब जावा में हम टैब स्पेस मारते हैं ना, तो उसके लिए ये एस का यूज़ करते हैं, एक बैक स्लैश और एक टी, ठीक है, तो बैक स्लैश टी इसका यूज़ करते हैं। ये जब आपने स्केप सीक्वेंस पढ़े होंगे ना, तो वहाँ बहुत सारे पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर एक ये बैक स्लैश टी भी पढ़ा होगा, ऐसे बहुत होते हैं, बैक स्लैश टी, बैक स्लैश एन, बहुत होते हैं। तो बैक स्लैश टी का ये किस लिए यूज़ करते हैं, जब टैब स्पेस मारना है, याद रखना टी और टैब स्पेस, तो इसका हम यूज़ करेंगे मतलब यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, याद रखना है इसको, ठीक है। तो देखते हैं फिर कहाँ गया हमारा क्वेश्चन। हाँ, तो इस ऑर्डर में प्रिंट करना है एम्प्लॉय नंबर, नेम, एज, बेसिक नेट। तो आते हैं ज़रा, तो पहले एक लाइन लिख देंगे, सिस्टम नॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, पहले क्या करना है एम्प्लॉय नंबर, ठीक है ना, तो देखो मैंने ई नंबर, देखो भाई पहले एम्प्लॉय नंबर बोला ना यहाँ पर, पहले एम्प्लॉय नंबर आना चाहिए, फिर उसके बाद एक टैब का स्पेस मारना है, एक टैब का स्पेस मारना है, तो अभी बताया मैंने एक बैक स्लैश क्या टी, फिर उसके बाद क्या करना है ई नेम, तो लिख दिया ई नेम, फिर से एक टैब स्पेस मारा, उसके बाद एज, तो ऐसे करेंगे एज बेसिक नेट, तो लिखा एज, फिर एक टैब स्पेस मारा, फिर बेसिक, फिर एक टैब स्पेस मारा, फिर क्या नेट, बस इतना है, ठीक है, ये हो गया। अब बोला है इस ऑर्डर में प्रिंट करनी है, तो जैसे ऊपर ये हेडिंग लिखी आ गई एम्प्लॉय नंबर, नेम, एज, बेसिक नेट, और इसके नीचे जो जो वैल्यू है वो लिखी आ जाए, ठीक है, जैसे एम्प्लॉय नंबर है तो उसके नीचे जो भी एम्प्लॉय का नंबर है वो लिखा आ जाए, जैसे यहाँ पर मान लो 1 2 3 4 है वो लिखा आ जाए, फिर नेम के नीचे यहाँ पर जो भी नेम है अमन आ जाए लिखा हुआ, अमन सिंह, एज के नीचे जो एज है मान लो 28 है, बेसिक के नीचे जैसे 14,000 मान ली, और नेट है 25,000, तो इस तरीके से उसके नीचे लिखा है। तो मतलब हमें वैल्यू भी इस तरीके से प्रिंट करनी होगी कि पहले वैल्यू प्रिंट करूँगा, उसके बाद एक टैब स्पेस मारूंगा, फिर वैल्यू प्रिंट करूँगा, एक टैब स्पेस मारूंगा, इस तरीके से करना है, आ रहा है ना समझ में। तो कैसे करूँगा, देखो ऊपर तो हेडिंग आएगी, नीचे वैल्यू के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन एन। अब एक बार याद रखना, जब हम कोई चीज़ वैसे की वैसे प्रिंट करते हैं स्क्रीन पे, तो उसे डबल इन्वर्टेड कोट के अंदर लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा, लेकिन जब मुझे किसी की वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी होती है ना, तब उसे डबल इन्वर्टेड कोट के अंदर नहीं लिखते हैं। तो भैया मेरे को अब वैल्यू प्रिंट करनी है ना, भाई ऊपर तो ऐसे लिखा आएगा एम्प्लॉय नंबर, फिर एम्प्लॉय नेम, एज, बेसिक नेट, नीचे उनकी वैल्यू आनी चाहिए, भाई एम्प्लॉय नंबर के नीचे एम्प्लॉय का नंबर आ जाए, एम्प्लॉय के नेम के नीचे एम्प्लॉय का नेम आ जाए, एज के नीचे उसकी एज प्रिंट हो जाए, बेसिक के नीचे उसकी बेसिक, जैसे टेबल टाइप का होता है उस तरीके से आ जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा, जो एम्प्लॉय का नंबर है देखो, अब उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पर ई एन ओ लिखा, ठीक है, इसको डबल इन्वर्टेड कोट के अंदर नहीं लिखेंगे। अब इसको लिखने के बाद मैं चाहता हूँ एक टैब स्पेस भी आए, आएगा ना टैब स्पेस, तभी तो भाई एम्प्लॉय नंबर के नीचे एम्प्लॉय नंबर आएगा, फिर एम्प्लॉय नेम के नीचे एम्प्लॉय नेम आएगा। तो देखो जब हम टैब मारना है मैंने, तो टैब को डबल इन्वर्टेड कोट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पर देखो मैंने ये डबल इन्वर्टेड कोट के अंदर लिखा है, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली ये बैक स्लैश टी क्या बन जाएगा, एक टैब स्पेस बन जाएगा, तो यहाँ पर इसको मुझे डबल इन्वर्टेड कोट के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बाद में जब कंपाइलर यहाँ आएगा इसको देखेगा, तो ऑटोमेटिकली इसको टैब स्पेस में चेंज कर देगा, ठीक है। इसके बाद प्लस करेंगे, क्योंकि अब हम वेरिएबल की वैल्यू लिखेंगे ना, वेरिएबल कौन सा ई नेम, तो प्लस करके जोड़ते हैं,
ठीक है ना, प्लस करके हम क्या करते हैं उनको आपस में जोड़ते हैं, तो एम्प्लॉय नंबर या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर उस वैल्यू के पीछे से लग जाएगा टैब स्पेस, फिर प्लस करके वेरिएबल लिख रहे थे तो इसलिए प्लस करके जोड़ा, ठीक है डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, फिर प्लस करके फिर से टैब स्पेस लगा देंगे, देखा स्लैश टी, फिर प्लस करके वैल्यू किसकी थी, अब वैल्यू एज, फिर प्लस करके अब क्या जोड़ेंगे इसके पीछे एक बैक स्लैश टी बेसिक, फिर उसके बाद बेसिक के बाद क्या लगाएंगे पीछे से, बेसिक के बाद क्या लगेगा बताओ भाई, बेसिक के बाद टैब स्पेस लगेगा, ठीक है बैक स्लैश टी उसके बाद प्लस नेट वैल्यू हो गया, ठीक है यहाँ का तो काम हो गया। अब आखिरी में बोला है void main, ठीक है void main टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड इनवोक द मैथड। void main में क्या करना है, एक तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और फिर मैथड इनवोक करने मतलब चलाने, तो मेन बनाएंगे तो भैया अब इसकी void यहाँ ख़त्म हो गई, अब इसके बाहर आएगा मेन। देखो अब मैंने तुम्हें बोला था नेट जो हमने वहाँ बनाया वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कर दी उसने प्रॉब्लम, यहाँ पर यहाँ बोला है नेट अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल नेट। अब भाई अनडिक्लेयर्ड कैसे हो गया, मैंने यहाँ डिक्लेयर करा तो है नेट, तो एक चीज़ याद रखो अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो यहाँ समझने का टाइम आ गया। देखो जो ये है ना यहाँ पर नेट वेरिएबल बना रखा मैंने, तो इस नेट वेरिएबल का जो स्कोप है, स्कोप मतलब जहाँ तक ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं या इसकी वैल्यू को हम प्रिंट कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं, वो इस से लेकर के इस ब्लॉक तक है, बस यहाँ तक। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने इस ब्लॉक के अंदर बनाया है। देखो जब हम कोई वेरिएबल किसी ब्लॉक के अंदर बनाते हैं ना तो हम उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, और उसका स्कोप उस ब्लॉक के अंदर तक ही होता है, तो उसका स्कोप यहीं तक है, इस ब्लॉक के अंदर बना हुआ है वॉइड कैलकुलेट के अंदर, तो मतलब वॉइड कैलकुलेट के अंदर ही इसका स्कोप है। जब तक वॉइड कैलकुलेट मेथड चलेगा तब तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं, उसके बाहर हम नहीं कर सकते। तो मैंने जब इस वेरिएबल का यूज़ करना चाहा वॉइड प्रिंट में, ठीक है इसकी बॉडी यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर करना चाहा, तो इसने एरर दे दिया कि अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये ऊपर वाला मेथड चलेगा ना, चलने के बाद जितने वेरिएबल बने, और जब ये मेथड चलने के बाद जब ये पूरा चल जाएगा तो उसके बाद जितने वेरिएबल बनते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो जब ये नेट वेरिएबल बन के डिस्ट्रॉय हो गया और जब हम बाद में प्रिंट वाले को चलाएंगे तो वो बोलेगा ही तो भाई कि ये वेरिएबल अनडिक्लेयर्ड है, क्योंकि वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। तो इस समय एक प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने कि भाई अब इस वेरिएबल का क्या करें, कि मतलब ऐसा क्या करूँ कि ये डिस्ट्रॉय ना हो। तो जब मुझे ऐसा कुछ कराना पड़ता है, ऐसा वेरिएबल है जो मेरे को मल्टीपल मेथड में यूज़ करना है, तो हम उसको बाहर डिक्लेयर करते हैं। बाहर कहाँ पर, तो यहाँ नहीं करूँगा बाहर, बाहर मतलब ये नहीं कि ब्लू जगह बाहर कहीं और, बाहर मतलब ये इन जो ये मेथड है इनके बाहर, मतलब यहाँ पर मेंबर वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं क्या, डबल नेट, ठीक है अब मेरा एरर नहीं आएगा। ऐसा क्यों हुआ, अब एरर क्यों नहीं आएगा, क्यों उसका कारण क्या होगा, क्योंकि हमने अब ये वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, तो अब जो इसका स्कोप है वो पूरे जो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है पूरे प्रोग्राम का हो गया है। तो मतलब मैं इसको चाहूँ तो इस वाले मेंबर मेथड के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ, इस वाले के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ, इस वाले के अंदर भी, ठीक है। तो इसलिए एरर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट। तो मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे। अब देखो आखिरी में आते हैं जो था हमारा void, void main लिखा था, तो void main मतलब हमारे मेन मेथड, तो लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक void main। भाई खाली void main बोला तो void main मत लिखना, एरर आ जाएगा। ये मेन मेथड को लिखने का सही सिंटैक्स ये होता है पब्लिक स्टैटिक void main, ठीक है। तो भले ही क्वेश्चन में यहाँ void main बोला है, हम पब्लिक स्टैटिक void main लिखेंगे, अगर void main लिखूंगा तो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक void main, ठीक है। तो टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एंड इनवोक द मेथड, तो void main में क्रिएट करो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो भाई ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं यार, इसका क्या सिंटैक्स होता है। देखो अभी आपने ऑब्जेक्ट बनाया मेरे साथ, यहाँ ऊपर बनाया था ना स्कैनर का ऑब्जेक्ट, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पर सिंटैक्स अभी याद रख लो, देखो पहले क्या था क्लास का नाम, मैंने उस समय भी बताया था जो ये है हमारा, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो ये स्कैनर जो है ये क्या है, क्लास का नाम है। उसके बाद एस सी क्या था, वो ऑब्जेक्ट का नाम था। तो इसलिए जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं किसी का भी क्रिएट करूँ, तो पहले था जैसे ये, तो आता है क्लास का नाम, ठीक है। तो पहले ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, तो क्लास नेम आता है पहले, फिर उसके बाद क्लास के नेम के बाद जिस क्लास को ऑब्जेक्ट बना रहे हो ऑब्जेक्ट का नाम, आपकी मर्जी जो लिखना चाहो ऑब्जेक्ट का नाम, तो ऑब्जेक्ट नेम आएगा। फिर उसके बाद न्यू कीवर्ड आता है मेमोरी एलोकेट करने के लिए, फिर आगे फिर से क्लास का नाम आता है,
ठीक है, अब ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है उससे भी मतलब नहीं हमें, तो मतलब फिलहाल नॉर्मल सिंटेक्स ये है। तो अब आते हैं अपने उस पर जो था हमारा प्रोग्राम। तो मैंने मेन मेथड यहाँ लिखा है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाना था किसका, जो हमारी क्लास है, तो क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट लिख बनाएंगे, तो पहले एम्प्लॉय क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम, तो ऑब्जेक्ट का नाम मैं ओबीजे लिख देता हूँ फिलहाल, ठीक है। आप चाहें तो ई एम पी एम्प्लॉय ई एम पी भी लिख सकते हो, चलो एम्प्लॉय ई एम पी लिख दिया मैंने, एम्प्लॉय का ई एम पी नाम का ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू न्यू मेमोरी एलोकेट करने के लिए, फिर क्या क्लास का नाम, तो न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, न्यू एम्प्लॉय ये हो गया। अब उसके आगे हम यहाँ पर लगाएंगे ये ब्रैकेट, ठीक, ओपन और क्लोज ब्रैकेट। कभी कभी ऐसा होता है इन ब्रैकेट के अंदर, अभी तो फिलहाल हमने कोई वैल्यू नहीं दी, कभी कभी हम वैल्यू भी देते हैं, ठीक है। तो ये असल में ये होता क्या है, ये होता है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, जब कभी इसकी बात आएगी तो मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो ये होता है कंस्ट्रक्टर। अब जब इसके अंदर हम कुछ नहीं देते तो इसका मतलब होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और अगर इसके अंदर मैंने यहाँ कुछ दे दिया तो हम उसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, मतलब उसके पैरामीटर दे दिए हमने इसके अंदर, ठीक है ना। तो फिलहाल ये इसके अंदर कुछ नहीं दिया तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और याद रखना कंस्ट्रक्टर को कैसे पहचानते हैं, जो क्लास का नाम होता है वही नाम कंस्ट्रक्टर का होता है, तो एम्प्लॉई है क्लास का नाम, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या है, एम्प्लॉई। बस उसके आगे ये आ जाता है क्या, ये ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ब्रैकेट के अंदर कुछ दे दिए पैरामीटर तो हम तब उसे बोलेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ऐसा ही क्वेश्चन कुछ उसमें आ रखा था आपके पेपर में, स्पेसिमेन में ही आ रखा था शायद, एक मार्क्स वाले सेक्शन ए में आ रखा था, तो इसलिए बता रहा हूँ। वैसे मैंने वो क्वेश्चन भी कराने हैं बारी बारी, तो फिक्र मत करो, पर तभी छोटी मोटी बात याद रखना, ठीक है ना। कभी भी कोई दिमाग में स्ट्राइक कर जाती पेपर के टाइम पे, इंपॉर्टेंट बात कभी आ ही जाता क्वेश्चन, तो इसलिए याद रखना है छोटी मोटी बातों को। तो ये बन गया ऑब्जेक्ट, बोला था इनवोक, इनवोक द मेथड, मेथड को बुलाओ। तो भैया जब भी हम मेथड बुलाते हैं ना, याद रखना मेथड ऑब्जेक्ट ही बुलाता है। तो जैसे मैंने पहले भी बता रखा आपको, जितने भी ऑब्जेक्ट हम इस क्लास के बनाते हैं ना, वो इन सब मेथड को बुला सकते हैं, जितने भी अगर हम बनाएंगे। तो फिलहाल तो एक ही बना रखा ई एम पी नाम का, तो ये कैसे बुलाएगा, तो ई एम पी डॉट करके हम ऑब्जेक्ट को बुलाते हैं, तो मतलब मेथड को बुलाते हैं, ई एम पी डॉट ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम। तो भाई इसने यहाँ बोला क्वेश्चन में इनवोक द मेथड्स, तो मेथड मेरे को इनवोक करना है तो ऑर्डर में करेंगे, पहले क्या था एक्सेप्ट, फिर कैलकुलेट, फिर प्रिंट। तो लिखा मैंने यहाँ ई एम पी डॉट एक्सेप्ट, फिर अभी मैं बता रहा हूँ इसको कैसे काम हो रहा है, ठीक है, डॉट कैलकुलेट, फिर ई एम पी डॉट प्रिंट मेथड, ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये निकल आगे मैंने ये क्यों लगाया ब्रैकेट, इससे पता चलता है कि क्या ही है, ये है मेरा मेथड, ठीक है। मेथड और कंस्ट्रक्टर में देखो कुछ अंतर भी होते हैं, मेथड का नाम कभी भी क्लास के नाम के जैसा नहीं होगा। देखो जैसे यहाँ है ना, अब ये मेथड नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसका नाम और क्लास का नाम सेम है, लेकिन मेथड का नाम और क्लास का नाम कभी सेम नहीं होगा। तो कंस्ट्रक्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि मेथड, या फिर ये क्वेश्चन ना आ भी जाता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड, ये बहुत बार आईसीएससी में पूछा भी गया है, आईसीएससी में पिछले क्वेश्चनों में आ चुका है पेपरों में। तो एक पहला डिफरेंस ये होता है कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, जबकि मेथड और क्लास का नाम सेम नहीं होता, ठीक है। अब और कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होता, ठीक है ना, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, और जबकि हमारे इसका ये जो मेथड होते हैं मेंबर मेथड, इनका रिटर्न टाइप होता है, और अगर नहीं होता तो हमें वॉइड लिखना पड़ता है, लेकिन उसमें हम कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो जब कंस्ट्रक्टर को मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं सब बताऊंगा आपको डिटेल में। तो देखो यहाँ पर हो गया, तीनों मेथड हमने चला दिए हैं। अब उसके बाद क्या बोला उसने, वह कुछ नहीं बोला है, अब हो गया, एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं, कंपाइल कर। एक और बात बताई थी स्टार्टिंग में कि यहाँ पर भी ना एक कोई कोई एक बहुत ड्रॉबैक सा है स्कैनर क्लास का, अभी हमें पता नहीं चला, वो देखो कंपाइल हो चुका है, अब जब जब प्रोग्राम रन करूँगा ना तब पता चलेगा, तब बताऊँगा कि कैसे उसे ठीक करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ आ गया, मैं इसको करता हूँ रन, तो भाई बोला एंटर एम्प्लॉय नंबर, मैंने दे दिया 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या हुआ, देखो ये है कमी जिसकी बात कर रहा था मैं, ये समझ में आया क्या दिक्कत हुई यहाँ। जैसे मैंने एम्प्लॉय का नंबर दिया ना, तो एम्प्लॉय का नंबर तो उसने ले लिया इनपुट में, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन आनी थी एंटर एम्प्लॉय नेम, ठीक है, ये लिख के आई, तो उसके बाद ये मेरे लिए रुका ही नहीं एम्प्लॉय का नाम देने के लिए, इसने सीधा लिख दिया एंटर एज। अरे भाई मेरे को नाम तो देने दे, जैसे यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय का नंबर दिया, यहाँ पर लाइन प्रिंट भी नंबर दिया, फिर लिखा है एंटर एम्प्लॉय नेम, तो उसके बाद नेम लेने के लिए रुकना भी तो चाहिए ना, रुका ही नहीं, सीधा एंटर एज आ गया। ये प्रॉब्लम क्यों हुई, तो इसको समझने के लिए कोड पे आते हैं। देखो स्कैनर क्लास का एक तरीके से ड्रॉबैक कह लो, तो इसमें एक ये होती है प्रॉब्लम सी, कि जब हम कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं
वैसे मैंने यहाँ लिए नेक्स्ट लॉन्ग ली, नेक्स्ट लॉन्ग लो या नेक्स्ट इंट लो, इस तरीके की वैल्यू जो हम लेते हैं इनपुट में, तो होता यूँ है इसको इनपुट में लेने के बाद जब हमने मारा एंटर, ठीक है ना। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू दी, इसने बोला था एंटर एम्प्लॉय नंबर, तो मैंने मारा यहाँ पर जैसे मैंने लिखा था यहाँ पर 1 2 3 4 5, और मैंने इसके बाद मारा एंटर, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 लिखने के बाद जब एंटर मारा ना मैंने, तो भाई 1 2 3 4 5 तो नेक्स्ट लॉन्ग में घुस गया और वो चला गया अल्टीमेटली ENO एम्प्लॉय नंबर में। लेकिन जो एंटर मैंने मारा वो एंटर अंदर ही रहता है बफर में स्टोर, और वो अगली जो इनपुट वाली लाइन आती है ना, जैसे ये है नेक्स्ट लाइन, इसमें घुस जाता है, ठीक है। तो वो एंटर जो मैंने मारा था वो अंदर ही पड़ा था, और जब ये वाली लाइन आई SC.NEXT LINE, असल में इस लाइन ने तुमसे इनपुट लेना था, लेकिन वो एंटर वहीं रुका रह गया, तो वो एंटर इसमें चला गया और ई नेम में एंटर आ गया, ठीक है। और तब उसके बाद सीधा अगली लाइन प्रिंट होगी एंटर एज। तो वो जो एक्स्ट्रा एंटर है उसको हमें किसी तरीके से हैंडल करना है, तो इसलिए जब हम उसको जो एक्स्ट्रा हैंड जो एंटर होता है उसको वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये लाइन है इसके नीचे में लिख देते हैं हम SC.NEXT LINE, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिख दिया हमने, तो ये क्या करेगी, ये जो एक्स्ट्रा एंटर है ताकि इसमें ना घुसे, हमने यहाँ पर एक ऐसे एक्स्ट्रा करके छोड़ दी, मतलब कुछ नहीं है ताकि वो फालतू का एंटर इसमें चले जाए, तो फालतू का एंटर इसमें घुस जाता है, तब ये नेक्स्ट लाइन प्रिंट होती है, तब हम जो भी वैल्यू हम देंगे यहाँ पर तब वो यहाँ आएगी, फिर अगला फिर ये लाइन चलेगी, मतलब अब हमारा कोड सही चलेगा, ठीक है। तो ये करना पड़ता है स्कैनर क्लास में, ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जो एंटर है वो नेक्स्ट लाइन ले लेता है, जब भी हम कभी इंटीजर या कुछ लॉन्ग इनपुट मिले और उसके बाद नेक्स्ट लाइन का यूज़ कर रहे हो, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा नेक्स्ट लाइन को उसके बाद लिख देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगी, जैसे नेक्स्ट इंट है उसके बाद नेक्स्ट डबल है, ये तब आती है जब हम किसी भी इंट डबल के बाद नेक्स्ट लाइन का यूज़ करें, जैसे हमने यहाँ पर करा था, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा नेक्स्ट लाइन डाल दो, ठीक है। अब चला के देख लें, तो देखो ये समझ में आया, देखो हमने यहाँ बहुत दो इंपॉर्टेंट बात समझी, कौन सी, एक तो ये जो ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई, दूसरा वो जो नेट वाला ये था वेरिएबल, इसकी बात हमने समझी कि भैया इसका स्कोप वहीं पर निपट गया, और ये जो ये स्कोप वाली बात है ना इनकैप्सुलेशन चैप्टर में, तो वो मैं आई बटन पे लगा दूंगा, देखना है डिटेल में समझना है तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। और भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, मैं लगा दूंगा आई बटन पे या एंड में, तो आप देख लेना उसको। तो चलो इसको अब मैं करता हूँ रन, एंटर एम्प्लॉय नंबर, तो एम्प्लॉय का नंबर बोल रहा है एंटर करने को, क्या दूँ, 1 2 3 4 5 दे देता हूँ, चलो 1 2 3 4 दे दिया, कुछ और ही आ गया, ये लो 1 2 3 4। एम्प्लॉय नेम तो मैंने लिख दिया अमन सिंह, एंटर एज, देखो अब सही चला ना, एंटर एज मैंने दे दी 34, बेसिक सैलरी मैंने दे दी 14,000, तो आ गया एम्प्लॉय नंबर 1 3 4 5, ठीक है। एम्प्लॉय नेम अमन सिंह, एज है 34, बेसिक है ये। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, ये है कि हम प्रोग्राम अपने सामने करके चला रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने सामने हमने जब प्रोग्राम करा तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जैसे मैंने एक टैब स्पेस मारा था वहाँ, ठीक है जी, तो एक टैब स्पेस मारा था, यहाँ आगे एक टैब स्पेस, बीच में यहाँ पर टैब स्पेस है, यहाँ पर टैब स्पेस है, लेकिन दिक्कत ये हुई यहाँ पर तो टैब स्पेस ठीक है, यहाँ पर भी टैब स्पेस ठीक है, लेकिन नाम इतना बड़ा हो गया कि वो अगले कॉलम तक पहुँच गया, ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इस कारण से एज का जो वैल्यू है वो यहाँ आ गई, बेसिक की वैल्यू यहाँ आ गई, और नेट की जो वैल्यू है वो थोड़ा दूर हो गई, मतलब ये हुआ। तो देखो अब जब तुम पेपर में करोगे तो तब तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये तो मैं तुम्हारे सामने कोड चला रहा हूँ ना, तो तब दिखे हमें पता चल रहा है कि भाई दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, वरना पेपर में तो सिंगल टैब स्पेस रखना, ठीक है, जैसे एक सिंगल बैक स्लैश टी है या बैक स्लैश टी ऐसे ही रखना, क्योंकि वहाँ तुम्हें प्रोग्राम को रन नहीं करना, और ये कोई एरर भी नहीं है, ये तो बस ये है कि हमें दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर मैं इसको सही करना चाहूँ तो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा टैब स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर एक जो ये इसका नाम है इसमें एक मेरे को एज में देना चाहिए, यहाँ पर टैब स्पेस एक्स्ट्रा एज से पहले, देखो ये अभी सही हो जाएगा, एज से पहले यहाँ पर एक और टैब स्पेस अगर मैं दूँ, इसको कंपाइल करके फिर चला के देखें, तो देखो प्रोग्राम को देखते हैं, फिर एम्प्लॉय नंबर बोला मैंने 1 2 3 4 5 दे दिया, नेम मैंने दे दिया अमन सिंह, एंटर एज 34, बेसिक सैलरी पॉइंट में दे देता हूँ इस बार, बेसिक सैलरी 1 2 6 7 4, और देखो अब हो गया ना थोड़ा ठीक, एम्प्लॉय नंबर ये रहा, एम्प्लॉय नेम ये रहा, एज 34, बेसिक सैलरी ये रही और नेट सैलरी ये रही, ठीक है। तो भाई अब वो तो इसलिए क्योंकि हम सामने चला रहे हैं प्रोग्राम, तो हमें बताया ऐसा है, लेकिन पेपर में तुम्हें कोई ज़रूरत है नहीं करने की, तुम सिंगल टैब स्पेस देना, ठीक है ना। अगर सामने कोडिंग होती तो अलग बात है, तब जैसे हमें यहाँ पर पता चला कि भाई कमी है तो हम डबल टैब स्पेस दिए,
पेपर में सिंगल सिंगल टाइप स्पेस देना, वहाँ तुम्हें ये सब नहीं सोचना। तो मेरे ख्याल से प्रोग्राम समझ में आ चुका होगा, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर समझ लिए, ठीक है ना। खाली प्रोग्राम नहीं करा मैंने यहाँ पर, तुम्हें मेथड कैसे बनाना है, मेथड में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया मैंने तुम्हें, रिटर्न टाइप बताया मैंने तुम्हें, यहाँ पर एसएसएस स्पेसिफायर बताया या विजिबिलिटी मोड के बारे में बताया हमने, यहाँ पर इंपोर्ट पैकेज करना, स्कैनर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ये सब सीख लिया। तो हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा है, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना, ठीक है ना। मैं यहाँ कॉन्सेप्ट बताया तुम्हें, क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट, तो और कोशिश मेरी यही रहेगी जितने भी क्वेश्चन कराऊँ तुम्हें कॉन्सेप्ट बताऊँ, ताकि कोई भी बेसिक देख रहा है, कोई भी बिगिनर देख रहा है, तो उसे समझ में आ जाए किस तरीके से प्रोग्राम बनाना है, और कोई प्रॉब्लम ना आए। भले तुमने कोई चैप्टर कवर ना कराओ, तो तुम ऐसा ना हो कि चैप्टर कवर ना करे के कारण तुम क्वेश्चन ना कर पाओ पेपर में, तो ऐसा नहीं रहेगा। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा इसी तरीके से कराऊंगा कि तुम्हें हर चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे समझ में आया होगा तुम्हें अच्छे से, और वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट करके बता देना भाई कि वीडियो कैसी लगी है, समझ में आया या नहीं आया, ताकि मुझे भी पता भी चल जाए कि तुम्हें समझ में आ रहा या कुछ कमी है, या कुछ अगर मेरे को चेंजेस करनी है वीडियो बनाने के तरीके में या कुछ, तो मैं उस तरीके से चेंजेस कर लूँ, या कुछ और चीज़ें जो तुम्हें समझानी है तुम्हें अगली वीडियो में समझा दो, ठीक है। तो मुझे बता देना कमेंट करके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे का फ़ायदा उठा पाएँ, और मुझे भी मोटिवेशन मिले उससे कि भाई अगर ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे भी लगता है कि चलो ठीक है, अच्छा लग रही वीडियो, तो और बनाने का मन भी करता है। तो इसलिए कर देना, शेयर कर सकते हो, तो ठीक है लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कैसे लगी। तो इस वीडियो में इतना ही था, जल्दी आऊँगा बाकी क्वेश्चन के साथ, पूरे पेपर का सोल्यूशन लेकर के। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।